आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वेरी गुड मॉर्निंग। और तो आज है मंगलवार, अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम लोगों ने एक एक कप चाय पी ली है। अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है, सिर्फ सब लोगों ने एक एक कप चाय पी है और सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। मैं भी अपने काम में बिज़ी थी, बट मैंने सोचा कि लाइए मतलब अपना ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही लेती हूँ, तो आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल वही बेसिक रूटीन में अपना बेडरूम साफ़ करने जा रही हूँ और आज सोच रही हूँ कि मैं जो कंबल है उनको धो दूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ला पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ। वैसे तो मम्मी डाल देती हैं, बट आज मम्मी दूसरे काम में बिज़ी थी तो मैंने ही डाल दिया था। और ये पौधे नीचे रखे हुए हैं, बाकी तो सारे जितने हैं वो छत पे हैं, बट ये पौधे नीचे ही रखे हुए हैं क्योंकि ये जो पूजा करने वाले पौधे हैं वो मम्मी ने मंदिर के पास रखे हैं, जैसे केले का पेड़ हुआ, तुलसी जी हुई, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो नीचे रखे हुए हैं। तो जैसे जल वगैरह मतलब डालने में मम्मी को ऊपर छत पे नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी धूप नहीं आई है, और इसलिए मैंने सोचा पहले पौधे में पानी डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बगल में एक प्लॉट है वहाँ पे मतलब घर बन रहा है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है और जो सीमेंट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती है, और अगर इसको साफ़ ना करो तो यहाँ पे चप्पल पहन के तो आते नहीं है, नंगे पैर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैरों में चुभता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा देती हूँ। और मंदिर वगैरह तो मम्मी ने साफ़ कर दिया था बट यहाँ पे नहीं साफ़ हुआ था, तो मैंने सोचा नहाने से पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं ये जो कंबल है इनको मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी। मैं अधिकतर कपड़े गर्म पानी में ही भिगो कर धोती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, हल्का सा गुनगुना होता है ताकि जो गंदगी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और जो वैसे तो रेगुलर बेस वाले कपड़े ही मैं गर्म पानी में भिगोती हूँ, और जो पार्टी वेयर होते हैं या महंगे कपड़े होते हैं उनको तो लॉन्ड्री में देती हूँ या उनको मैं अलग से धोती हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो कमरे के पर्दे टंगे हुए थे वो भी मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था उनको भी लगे हाथ धो लेती हूँ। और हालांकि होली के टाइम मैंने धोया था, फिर भी होली को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मतलब, तो मैंने सोचा गंदे हो गए हैं, इनको भी भिगो देती हूँ और धुल जाएंगे वो भी। तो अभी जो कपड़े मैंने गर्म पानी में भिगोए हैं वो अभी भीग रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा भिगो के रखूँगी ताकि मैल जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना रूम भी मतलब तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं गीले कपड़े से पूरे रूम को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड साइड है, मतलब रोड के जस्ट किनारे है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह आती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो डेली के डेली मतलब धूल आती रहती है। और मेरा रूम भी एकदम मतलब फ्रंट पे ही है, मेन रोड के फ्रंट पे ही है, तो मेरे रूम में जल्दी धूल आ जाती है। तो मैं ये काम तो मैं डेली करती हूँ, गीले कपड़े से पूरे रूम को मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह अगर चढ़ जाती है तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो अभी तो झाड़ू नहीं लगा है तो इसलिए मैंने सोचा पहले जितनी भी धूल वगैरह है वो झाड़ लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद बेडशीट तो मैं शाम को ही चेंज करूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं चेंज करूँगी क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आएंगे तो पूरी धमा चौकड़ी ना इसी बेड पे होगी, तो बेडशीट मैं शाम को ही चेंज करूँगी। और ये देखिए जो कपड़े मैंने गर्म पानी में भिगोए थे, चादर वगैरह पर्दे वगैरह वो भी धुल गए हैं, और इसको डाल दूँगी। और अभी 11:30 के आसपास का टाइम हुआ है और ये शाम तक बिल्कुल एकदम सूख गए थे, ज़रा सा भी गीले नहीं रह गए थे, और अगर थोड़ा सा अगर टाइम में और लगा देती तो शायद ये शाम को ना सूखते, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे में कपड़े आपके अच्छे खासे सूख जाते हैं, जाड़ों में इतनी जल्दी नहीं सूखते लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ये चीज़ तो है। और उसके बाद मतलब कपड़े फैलाने के बाद मैं नहाई धोई और हम लोगों ने लंच किया, और लंच में मैंने भरवा शिमला मिर्च बनाई थी जिसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा वीडियो शूट करने का, तो मैंने सिर्फ लंच में क्या बना है उसी का वीडियो मैंने शूट किया था, और बना के मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था, और जिसको जब खाना था वो गरम गरम फ्राई करके
खा सकता है और इसको एक दो दिन के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी खाना हो आप गर्मा गर्म इसी तरीके से तवे पर शैलो फ्राई करके आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और मैंने ये आलू और पनीर मिक्स भरवा पनीर भरवा जो शिमला मिर्च है वो बनाई है। और लंच करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे और थोड़े बहुत जो दूसरे काम है वो भी निपटा रहे थे, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो मतलब वो भी सो जाते हैं, उनकी भी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, तो साथ में हम लोग भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई हूँ और जो कपड़े हैं जो कंबल है वो एकदम सूख गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, और अब मैं इन सबको तहा के नीचे ले जाऊँगी। और जो पर्दे वगैरह हैं वो अभी नहीं डालूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट आ गई थी, और इनको कल मॉर्निंग में ही डालूँगी। और बस फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मेरा यहीं तक का था, छोटा सा व्लॉग है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, जो पुराने लोग हैं मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट और लाइक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, सो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और आज का व्लॉग मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का था, और कोशिश करूँगी मैं रूटीन वाइज ही अपने व्लॉग डालूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मैं नीचे जाती हूँ।